पता लगता है कि जो हमारा सेकंड जो एग्जाम्पल है वो हमारा है गुड सोल्ड। जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा है गुड सोल्ड फॉर ₹20,000, मतलब माल बेचा है हमने ₹20,000 का 3 तारीख को। अब बात आती है कि पहले तो हम माल खरीदने गए थे मार्केट में, अब हम ये मान के चलते हैं क्योंकि काम तो हमारे द्वारा ही होना है, पूरा ट्रांजेक्शन हमारे द्वारा हुए हैं, रूल्स भी हमारे द्वारा ही लगेंगे। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि भाई ये काम हमने किया है, तब तक हम रूल्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो हमने माल बेचा तो हम अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, और दुकान पर बैठने के बाद कोई कस्टमर आता है और वो हमसे कहता है कि सर हमको एक पेन दे दीजिए, सर हमको एक पेन लेना है, तो हमने उसको पेन सेल किया। जब हम पेन सेल करेंगे उसको, तो क्या उस समय कुछ आएगा हमारे पास पेन सेल करने के बाद? बिल्कुल आएगा। जब हम किसी को कोई चीज सेल करते हैं तो वो हमको कैश पेड करेगा, हमारे पास हमको पैसा देगा, हमको रुपए देगा। तो रूल्स वही है भाई हमारा। रूल सबसे पहले क्या है भाई? रूल्स हमारा डेबिट का जो सबसे पहला रूल्स है वो है हमारा व्हाट्स कम्स इन। व्हाट्स कम्स इन का मतलब होता है आने वाली वस्तु। जब हम किसी को माल बेचेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, तो इसलिए यहां पर हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस ट्रांजेक्शन को हमने कर लिया है, और इसमें 3 मार्च की जो एंट्री है, इस 3 मार्च की एंट्री में हमने जो है कैश अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि जो हमारे पास आने वाली वस्तु थी, हमारे हाथ में आने वाली जो चीज थी वो कैश था, और जो कैश को हम डेबिट कर चुके। जब डेबिट हो गया है तो अब बात आएगी कि हम क्रेडिट क्या करें। तो उसको क्रेडिट करने के लिए भी हमारा वही रूल्स रहेगा जो ऊपर वाली जनरल एंट्री में लगाया था, कि भाई हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास व्हाट्स गोज आउट। जब हम अपनी दुकान पर बैठे हैं और किसी को माल सेल कर रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जाएगा? तो अभी जैसा कि एंट्री थी गुड सोल्ड, माल बेचा, एग्जाम्पल लिया था कि हम पेन सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास आने वाली वस्तु डेबिट में तो कैश हो गया, तो हमारे पास से क्या जाएगा? हमारे पास से जो जाने वाली चीज है वो गुड्स होगा। एग्जाम्पल में अगर पेन लेते हैं तो हम उसको क्या देंगे कस्टमर को? हम पेन देंगे उसको, तो पेन में भी क्या होगा? हमारा हैंड का यूज होगा, ये हम अपने हाथ से उसको देंगे। तो हैंड यूज हो रहा है तो सीधा सीधा मतलब है भाई कि हम डेबिट और क्रेडिट के फर्स्ट रूल को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। बिना हैंड के, बिना हाथ को टच किए हम फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, चाहे वो डेबिट का हो चाहे वो क्रेडिट का हो। व्हाट्स कम्स इन है तब भी हैंड यूज करना है, और व्हाट्स गोज आउट है तब भी हैंड आपको यूज करना है। तो इस एंट्री में अब जो क्रेडिट होगा वो जाने वाली वस्तु थी हमारी, एंट्री है गुड सोल्ड। गुड सोल्ड में होता है माल, माल बेचा। यहां पर माल शब्द में कुछ भी आ सकता है, चीनी, चाय पत्ती, कोई भी चीज आ सकती है। यहां ये नहीं बताया गया कि हम क्या बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। कोई भी सामान हमने बेचा है तो उसके लिए गुड्स वर्ड्स यूज हुआ है, और गुड्स सोल्ड को हम सेल्स बोलते हैं। इसलिए हम जो है इस एंट्री में जो क्रेडिट करेंगे वो जो क्रेडिट किया जाएगा वो टू सेल्स अकाउंट किया जाएगा। इसलिए हमने यहाँ टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया। अब आने वाली वस्तु थी कैश, व्हाट कम्स इन हमारे पास कैश था, व्हाट गोज आउट हमारे पास सेल्स हो गया, क्योंकि गुड्स जा रहा है हमारे हाथ से। तो उसकी अमाउंट जो है उसकी अमाउंट के कॉलम में आएगी, डेबिट की अमाउंट डेबिट के कॉलम में आएगी, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में आएगी। इस तरीके से ये 20,000 की अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट में डाल दिया जाएगा, और डेट वाले कॉलम में उसकी डेट आ जाएगी जो भी होगी। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जो डेबिट का जो फर्स्ट रूल है, व्हाट्स कम्स इन एंड व्हाट्स गोज आउट, दोनों अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई हमारे पास जो चीज आएगी, जिसको हम रिसीव करेंगे, जिसको प्राप्त करेंगे, वो डेबिट किया जाएगा, और जिस हमारे हाथ से जाएगी या हम जिसको देंगे किसी को, उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल जो लेते हैं वो अगला एग्जाम्पल है हमारा, अगला जो ट्रांजेक्शन है वो है
मार्च का, जिसमें है वॉट गुड्स फ्रॉम राम फॉर रुपीज 40,000। राम से माल खरीदा 40,000 रुपये का। तो भाई अब इसमें नाम भी आ गया है। अभी जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसमें किसी भी व्यक्ति का, फर्म का कोई नाम का यूज नहीं हुआ था, लेकिन अब इसमें एक फर्म का और व्यक्ति का नाम यूज हो रहा है। तो बात करते हैं कि अब इस नाम के यूज किसी का होता है तो हम अपनी जर्नल में उसको किस तरीके से लिखा करेंगे, किस तरीके से एंट्री करेंगे, तो ये थोड़ा सा देखना है। और किस तरीके से समझेंगे वो समझिए। ये मान के चलिए कि भाई पहली जो इसमें है व्हाट गुड्स फ्रॉम राम, इसका मतलब है राम नाम के व्यक्ति से हमने माल खरीदा। एक राम नाम का दुकानदार है जो मार्केट में बैठा हुआ है, हम उसके पास गए, हमने उससे माल खरीदा, है ना। तो ये तो रहा आपका ट्रांजेक्शन। अब बात आती है कि इस नाम का क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की एक दुकान है और हम उस दुकान पे जाते हैं और उससे एक पेन लेते हैं कि भाई हमको एक पेन खरीदना है, आज हमको एक पेन दे दो। ठीक, सपोज करिए वो हमारा स्टूडेंट ही है और वो अपनी एक दुकान चलाता है, शॉप चलाता है, और हमने उससे कहा कि बेटा मुझे को एक पेन चाहिए, आप मेरे को एक पेन दीजिए। तो उसने एक पेन मेरे को दिया। पेन लेने के बाद उसको नहीं मालूम था कि मैं उसको उसी समय पेमेंट करूंगा या नहीं करूंगा। जब पेन ले लिया मैंने उसके पास, तो मेरे पास आने वाली चीज हो गई पेन। मैंने व्हाट्स कम्स इन, पेन कम्स इन। तो मेरे पास पेन आ चुका है, माल आ चुका है, गुड्स आ चुका है हाथ में, तो डेबिट का रूल्स तो लग चुका है। अब बात आती है कि राम का क्या होगा, राम का क्या करेंगे हम। तो ये समझना है भाई कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई माल खरीदा है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई माल खरीदा है और वो उधार खरीदा है, तो उस व्यक्ति का नाम हम अपनी कॉपी में, डायरी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसका नाम जरूर लिखेंगे, क्योंकि नाम लिखने से ही हम उस व्यक्ति से आने वाले समय में अपना पेमेंट ले पाएंगे, अपना कैश ले पाएंगे। जैसा एग्जाम्पल चल रहा था कि मैं किसी दुकान पे गया, मैंने उससे एक पेन खरीदा, बच्चे से पेन खरीदा, तो बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट अपनी डायरी में मेरा नाम नोट करेगा, और नाम नोट करने के बाद जब भी मैं अगली बार कभी उसके पास जाऊंगा तो वो मेरे से उस पेन का पेमेंट ले लेगा। तो यहाँ एक चीज समझने की है कि जब भी किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन माना जाएगा, वो उधारी का लेन देन माना जाएगा। तो जहां पर भी उधारी लेन देन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो वहां पर हम उस व्यक्ति के नाम का यूज करेंगे। ये बहुत अच्छे से समझना होगा। तो यहां पर जो जनरल एंट्री है वो है व्हाट गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा। तो यहां पर जो आने वाली वस्तु है व्हाट कम्स इन जो हमारे पास है वो हमारे पास है गुड्स, और गुड्स को हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं परचेज। गुड्स बोला जाएगा परचेज। तो यहां परचेज अकाउंट डेबिट होगा। यहां पर जो एंट्री है थर्ड, हमारी यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट करना होगा। और क्योंकि व्हाट कम्स इन क्या है, गुड्स कम्स इन थी, हमने उस बच्चे से पेन खरीदा था, हमने उस बच्चे से माल खरीदा था, लेकिन हम उस बच्चे को कोई भी पेमेंट करके नहीं आए हैं, हम उसको कुछ भी नहीं देके आए हैं। जब हम किसी को नहीं दे कुछ देके आ रहे हैं तो हमारा जो फर्स्ट रूल है व्हाट गोज आउट, क्या कुछ होगा, क्या हमारे हाथ से कुछ जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीद के लाए तो हमने उसको कोई पेमेंट नहीं किया, हमने अपने हैंड का यूज नहीं किया, हमने अपने पॉकेट से कैश नहीं निकाला, हमने उस दुकानदार को कुछ भी नहीं देके आए, इसका मतलब हम उधार खरीद के लाए। इसलिए जो क्रेडिट का जो फर्स्ट रूल है व्हाट गोज आउट वो यहां पर अप्लाई नहीं होगा। इस जब अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट रूल तो हम असेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ तो हम सेकंड रूल्स को देखेंगे। जो हमारा सेकंड रूल्स है वो रूल्स हमारा है रिसीवर, रिसीवर डेबिट का है, और क्रेडिट का जो रूल्स है वो है गिवर। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो माल देने वाला है, जिसने हमको माल उधार दिया है, वो किस व्यक्ति ने उधार दिया है। तो यहाँ पर हम मार्केट गए हैं और हमने राम नाम के व्यक्ति से उधार माल खरीदा है। तो यहाँ जो ट्रांजेक्शन है वो है व्हाट गुड्स फ्रॉम राम, व्हाट गुड्स फ्रॉम राम। तो इसलिए हमने राम से माल खरीदा।
तो राम से माल खरीदा तो आने वाली चीज व्हाट्स कम्स इन परचेज हो गया, और जाने वाली चीज हमारे पास से जो हो गया वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसको कैश पेड नहीं किया। लेकिन सेकंड जो रूल है वो है गिवर, और गिवर का जो हिंदी मीनिंग है वो है देने वाला व्यक्ति। तो यहां पर जो हमको माल देने वाला है वो देने वाला व्यक्ति है हमारे को राम, कि जो सेकंड रूल है, चाहे वो डेबिट का रूल्स हो सेकंड या क्रेडिट का रूल्स हो, चाहे वो रिसीवर हो चाहे वो गिवर हो, जिस व्यक्ति के नाम से वो होगा हम उसी नाम के व्यक्ति की एंट्री अपने यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट गुड्स फ्रॉम राम था, तो इसलिए जो क्रेडिट होगा वो टू राम क्रेडिट होगा। तो हम डेबिट जो करेंगे वो डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट किया जाएगा टू राम किया जाएगा। और वही नरेशन हर एंट्री में लिखना है, जैसा कि बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम नरेशन लिखते हैं। वीइंग से स्टार्ट करेंगे, वीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, वीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम आएगा। ओके, तो डेबिट की अमाउंट में, डेबिट के कॉलम में डेबिट की अमाउंट आएगी और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का आएगा। तो 40,000 रुपये डेबिट में आएंगे और 40,000 रुपये ही हमारे क्रेडिट में आएंगे। 5 मार्च, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर ₹12,000। रमेश को 12,000 रुपये का माल बेचा, हम डेबिट का रूल्स सेकंड वाला देखेंगे। सबसे पहले जो रूल्स है जिसका नाम है रिसीवर, रिसीवर माने पाने वाला व्यक्ति। इसी तरीके से क्रेडिट में सेकंड रूल्स है गिवर, देने वाला व्यक्ति। तो इससे हम इस एंट्री को चेक करते हैं, ट्रांजेक्शन को चेक करते हैं। गुड सोल्ड टू रमेश, रमेश को माल बेचा, इसका मतलब हम अपनी शॉप पर बैठे हुए हैं, हम अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं, और हमने रमेश नाम के व्यक्ति को 12,000 रुपये का माल दे दिया है। जैसा कि अभी बताया गया था 3 मार्च की, वो 4 मार्च की एंट्री में, कि अगर किसी व्यक्ति का नाम किसी ट्रांजैक्शन में आता है तो ये माना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार का लिखा हुआ है, उधार लेन देन हुआ है। तो यहां गुड सोल्ड टू रमेश, इसका मतलब हो गया रमेश को उधार माल बेचा, हमने रमेश को उधार माल बेचा है। तो दुकान पर बैठकर हमने रमेश को माल बेचा, तो जब हम रमेश को उधार माल बेचेंगे तो क्या हमारे पास कुछ आएगा? क्यों? क्योंकि रूल्स तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में ही देखने हैं। सबसे पहला जो रूल्स है वो है व्हाट्स कम्स इन, आने वाली वस्तु। क्या यहां पर आने वाली वस्तु कुछ होगी हाथ में हमारे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रमेश को उधार माल बेचा है, गुड सोल्ड टू रमेश, क्रेडिट सेल किया है रमेश को हमने। तो जब रमेश को क्रेडिट सेल किया है, उधार माल बेचा है, तो यहां पर रमेश हमको कुछ भी नहीं देकर जाएंगे ट्रांजेक्शन के समय। इसका मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए डेबिट का फर्स्ट रूल यहां पर अप्लाई नहीं होगा। यहां पर रूल नंबर 1 हम नहीं लगाएंगे। जब रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा तो हम रूल नंबर सेकंड को देखेंगे। सेकंड में जो रूल नंबर है डेबिट का, तो उसका नाम है रिसीवर। रिसीवर का मतलब पाने वाला व्यक्ति। हमारे माल को किसने पाया, किसने प्राप्त किया? पाने वाला व्यक्ति कौन है? हमारे माल को खरीदने वाला कौन है? हमसे, हम किसको बेच रहे हैं, हम किसको सेल कर रहे हैं? हमने यहां अपना जो गुड्स दिया, हमने अपना गुड सेल किया, वो किया रमेश को। तो यहां रिसीवर जो हुआ वो रमेश हुआ। इसका मतलब हमारा सेकंड रूल डेबिट का अप्लाई हो चुका है, पाने वाला व्यक्ति रमेश है, इसलिए हम रमेश को डेबिट करेंगे। हमारी जो एंट्री होगी 5 मार्च की, 5 मार्च की एंट्री में हम जो डेबिट करेंगे वो रमेश को डेबिट करेंगे। चेक कर सकते हैं, यहां पर हमने रमेश डेबिट किया है। एक चीज और बताने की है कि कभी भी किसी व्यक्ति और फर्म के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाया जाता। अगर अकाउंट लगाने का मन है और आप चाहते हैं कि हमें अकाउंट लगाना ही लगाना है सर, और हम पीछे भी लगाते आ रहे हैं सबके साथ अकाउंट, तो हम यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद अकाउंट लिख सकते हैं। इसका मतलब वो बोला जाएगा रमेश अकाउंट्स टू सेल्स अकाउंट,
रेमिसेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बात आती है कि आने वाली चीज हमारे पास कुछ नहीं थी, आने वाला व्यक्ति रिसीवर हमारे पास रमेश था, इसलिए अकॉर्डिंग टू रूल्स नंबर टू डेबिट, हमको रिसीवर के अकॉर्डिंग हम यहाँ रमेश को डेबिट करेंगे। ओके, अब जब डेबिट हो गया तो हमको क्या करना है भाई, हमने जनरल में डेबिट करना होता है, क्रेडिट करना होता है, अब हमको करना होगा क्रेडिट। रूल्स अप्लाई करना वहीं से शुरू करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो रूल्स नंबर वन देखेंगे क्रेडिट का, क्या है क्रेडिट का फर्स्ट रूल, व्हाट गोज आउट, जाने वाली वस्तु। जब हमने रमेश को उधार माल बेचा तो हमारे पास कुछ नहीं आया, आने वाली चीज कुछ नहीं थी, आने वाली वस्तु कुछ नहीं थी, लेकिन रूल्स क्रेडिट का नंबर वन देखेंगे व्हाट गोज आउट, तो हमारे पास जाने वाली चीज क्या है, क्या दे रहे हैं हम, क्या बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं हम, अपना माल रमेश को सेल कर रहे हैं, रमेश को बेच रहे हैं, रमेश को दे रहे हैं, इसलिए हमारे पास से जो जाने वाली वस्तु होगी, व्हाट गोज आउट जो होगा, जाने वाली जो वस्तु होगी वो गुड्स होगा। क्या होगा? गुड्स। और गुड्स उठा के नहीं ले जा रहा रमेश, रमेश उसको हमसे खरीद कर ले जा रहा है, हम उसको सेल कर रहे हैं, इसलिए जो माल बेचा जाता है, गुड्स को सोल्ड किया जाएगा, तो उसके लिए जो मीनिंग बताया गया है, सबसे पहले गुड सोल्ड के लिए हम सेल्स वर्ड का यूज करते हैं। तो यहां पर डेबिट का क्रेडिट का फर्स्ट रूल व्हाट गोज आउट लग चुका है, क्योंकि जब हम माल देंगे तो माल देने में हमारे हैंड का यूज होगा, हमारे हाथ का यूज होगा, हम उसको अपने हाथ से जो चीज वो खरीदने आ रहा है हम उस माल को उसको देंगे। तो हम जो बेच रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, हम गुड्स को देंगे, तो माल बेचने के लिए सेल्स का यूज करेंगे, इसलिए टू सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट आएगा, जिसकी अमाउंट 12,000 डेबिट में और 12,000 क्रेडिट में रहेगी। 12,000 रुपये डेबिट में और 12,000 रुपये क्रेडिट में डाला जाएगा। ओके, और करने के बाद हम उसके नीचे भी लाइन खींचेंगे और ट्रांजेक्शन को यहीं तक रोकेंगे। ये लाइन खींचना कंपलसरी है, आप हर ट्रांजेक्शन के बाद, हर एंट्री के बाद इस लाइन को यहां से लेके यहां तक करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी परीक्षा में इसके मार्क्स भी काटे जाएंगे। ओके, अब जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि हर एंट्री को करने के बाद उसका नरेशन लिखना है, तो इसमें जो उसका नरेशन है, वीइंग गुड सोल्ड टू रमेश लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में। ओके, अगला एंट्री की बात करते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है 6 मार्च की है, वो है रेंट पेड। रेंट पेड माने होता है किराया दिया। मान लो हम किसी दुकान में अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम किसी मकान में रह रहे हैं और हमने उसका किराया चुकाया, हम अपना व्यापार जिस जगह कर रहे हैं वो जगह हमने किराए पर ले रखी है, किराए पर लेने के बाद हम उसको हर महीने रेंट का पेमेंट करते हैं, तो हम उसको रेंट जब पेड करेंगे तो अपने अकाउंट्स में रेंट पेड भी कहीं ना कहीं लिखना होगा। तो उस ट्रांजेक्शन को हम जनरल में जब लिखेंगे तो उसके लिए हमें रूल्स पे आना पड़ेगा जनरल्स के, और जनरल्स के रूल्स के हिसाब से रेंट पेड ₹2,500 को जब हम लिखें। रूल्स क्या है कि जो जनरल्स का रूल फर्स्ट था वो बार बार रिपीट किया जा रहा है, कि वही फर्स्ट रूल जो है व्हाट कम्स इन, सेकंड रूल्स डेबिट का है रिसीवर, एंड थर्ड रूल है एक्सपेंसेस और लॉस। तो जब हम किसी को रेंट पेड करेंगे, हमने किसी को रेंट दिया, तो क्या हमारे पास कुछ आएगा, हमारे हाथ में कुछ आएगा, हैंड में कुछ आएगा? नहीं, हम जब किसी को रेंट पेड करेंगे तो हमारे पास कोई भी चीज आने वाली नहीं है। सेकंड सेकंड रूल है रिसीवर। रेंट पेड कर रहे हैं तो यहां पर किसी भी पर्सन या किसी कंपनी का कोई नेम नहीं आएगा, ना कोई नाम है, ना ट्रांजेक्शन में हम नहीं आएगा उसका। थर्ड थर्ड रूल है हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेज और लॉस। तो हम किसी को जब रेंट दे रहे हैं तो वहां लॉस तो हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम कोई चीज खरीद के लाए, ना उसको हम सेल रीसेल कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कोई नहीं कर रहे ऐसा काम, क्योंकि लॉस जब होता है जब 5 रुपीज की चीज को हम किसी को 4 रुपीज में सेल करते हैं, तो यहाँ पर लॉस होगा। लेकिन रेंट पेड हमारा एक एक्सपेंडिचर है, ये हमारा खर्चा है, हम अपने खर्चे को दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड रूल है एक्सपेंसेज,
के अंदर ये माना जाएगा कि ये रेड पेड वाला जो ट्रांजेक्शन है वो हमारा डेबिट के थर्ड रूल में आएगा, या यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई होगा, तीसरा रूल नियम लगेगा यहाँ। और ये बता दिया गया था पहले ही कि डेबिट हो या क्रेडिट हो, इसका जो डेबिट है या क्रेडिट है, जो भी नियम है, इसमें जिस नाम से कोई एक्सपेंडिचर होता है या इनकम रिसीव होती है उसको उसी नाम से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो डेबिट करना होगा वो हमारा जो एक्सपेंडिचर का नाम है, जो एक्सपेंसिज का नाम है, वो है रेंट अकाउंट, किराया दिया। तो यहाँ पर हम किराया दिया का मतलब रेंट अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। इसके साथ बात आती है क्रेडिट की। जब हम डेबिट का काम पूरा हो गया, यहाँ पर डेबिट में ना फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ ना सेकंड रूल अप्लाई हुआ, और यहाँ पर थर्ड रूल अप्लाई हुआ, तो हमने उसके अकॉर्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट कर लिया। अब हम नीचे क्रेडिट करेंगे। जब हम किसी को रेंट पेड करेंगे तो हमारे पास जो था वो थर्ड रूल अप्लाई करने के बाद रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब क्रेडिट जब करेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे क्या व्हाट वो जब कुछ जा रहा है हमारे पास से, रेंट पेड किसी को किया है, रेंट पेड किसी को कर रहे हैं, तो हमारे पास से क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जाने वाली जो चीज होगी या जो वस्तु होगी वो हमारे पास कैश होगा। हम जब किसी को किराए में देंगे तो क्या देंगे, कैश देंगे, रुपए देंगे। तो जाने वाली चीज क्या हो गई, व्हाट गोज आउट क्या हो गया, कैश हो गया। तो यहाँ पर क्रेडिट का फर्स्ट रूल अप्लाई हो चुका है, इसलिए हम टू कैश अकाउंट अपना एंट्री में लिखेंगे। यहाँ पर हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रांजेक्शन बोला जाए, जो ट्रांजेक्शन है, इसकी जो जनरल एंट्री पास आउट होगी या बनेगी वो है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपकी 6 मार्च को रेंट अकाउंट की एंट्री बन चुकी है। और डेबिट में डेबिट की अमाउंट जैसा बताया गया है, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट आनी है। तो यहाँ पर जो है ये 2500 रेंट डेबिट में एंड 2500 अमाउंट क्रेडिट में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो हमारी जो है ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड की है। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस डेट की थी वो बताई गई है भाई कि 7 मार्च को, 7 मार्च को हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, ब्याज प्राप्त कर रहे हैं, हमको ब्याज प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि हमने किसी को कुछ लोन दे रखा होगा या किसी को कुछ पेमेंट कर रखा होगा या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, तो वहां कहीं ना कहीं से हमारे पास इंटरेस्ट आ रही है। या सपोज करिए बैंक में ही डिपॉजिट किया है तो वहां बैंक में डिपॉजिट हो रही है इंटरेस्ट आपकी। अब हमने किसी व्यक्ति को लोन दिया और वहां उस व्यक्ति से इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अब इस इंटरेस्ट रिसीव्ड की ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में कन्वर्ट कैसे करें, हम उसको किस तरीके से अपनी जनरल में लिखें। तो उसके लिए वही तरीका है कि भाई डेबिट का रूल्स देखने हैं, डेबिट्स के रूल्स देखने हैं जनरल के। तो फर्स्ट रूल व्हाट्स कम्स इन, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है। जब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रही है तो हमारे पास क्या आ रहा है भाई, तो व्हाट कम्स इन हमारे पास आ रहा है कैश। जो भी व्यक्ति हमको देने आएगा वो क्या देने आएगा, कैश। और कैश को हम रिसीव करेंगे अपने हाथों से, हैंड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट रूल अप्लाई हो चुका है, क्योंकि हैंड टच होने का मतलब भी फर्स्ट रूल अप्लाई है। आने वाली वस्तु हमारे पास हाथ में कैश होगी, रुपए होंगे, इसलिए यहाँ पर हम जो है कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो 7 मार्च की जो जनरल एंट्री है, 7 मार्च की जनरल एंट्री में हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। हमने यहाँ पर ये 7 मार्च डेट और 7 मार्च की डेट को हमने जो है अपना कैश अकाउंट डेबिट किया, और डेबिट के सामने ही डेबिट की अमाउंट डाली है 500 रुपीज। अब बात आता है कि डेबिट होने के बाद ना तो यहाँ सेकंड रूल अप्लाई करने की जरूरत है और ना ही थर्ड रूल को देखने की जरूरत है, क्योंकि तीनों में से कोई एक रूल अप्लाई करना होता है, चाहे वो डेबिट के लिए हो चाहे वो क्रेडिट के लिए। ठीक है, आगे जो हम चलते हैं, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड था, कैश हमारे पास आ चुका है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, तो व्हाट्स गोज आउट, जब हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कुछ जाएगा। उस समय जब कोई व्यक्ति हमको इंटरेस्ट देगा तो उस समय हमारे पास से कोई चीज, कोई वस्तु, कोई अमाउंट नहीं जाएगी। गिव अप बात आती है कि फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ, व्हाट गोज आउट नहीं अप्लाई हुआ, जाने वाली वस्तु कुछ नहीं है, तो जो सेकंड रूल है वो है हमारा गिवर, देने वाला व्यक्ति। यहाँ पर कोई भी देने वाला व्यक्ति, पर्सन वगैरह कुछ नहीं है, व्यक्ति का कोई नाम नहीं है, ना फर्स्ट रूल है ना सेकंड रूल है। थर्ड रूल आएगा हमारा इनकम और प्रॉफिट। इनकम का मतलब होता है आय, प्रॉफिट का मतलब होगा लाभ। तो इनकम हमारी जो है जिस नाम से होती है उसी नाम से हम उस इनकम को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये पहले ही बताया जा चुका है, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, उसको जिस नाम से होगी हम उसको उसी नाम से अपने यहाँ एंट्री करते हैं। तो क्रेडिट
जो होगा यहाँ पर जो हमारी इनकम है वो है हमारे इंटरेस्ट के नाम से, तो हम इसमें टू इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, टू इंटरेस्ट अकाउंट, और क्रेडिट करने के बाद उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में अमाउंट पे डाल दी जाएगी 500 रुपीज। इसका नरिशन लिखा जाएगा वीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, और नरिशन लिखने के बाद आपको जैसे बताया गया है कि हम हर एंट्री के बाद एक लाइन खींच के इसको बंद करेंगे, ये कंपलसरी है भाई। खूब, मैं समझता हूँ खूब अच्छे समझ में आ गया होगा। डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगभग क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ पर हमारे जो 6 रूल्स थे कंप्लीट हो जाते हैं। इंटरेस्ट रिसीव पे ये रूल्स क्लियर हो गए 7 मार्च की एंट्री तक। हमने व्हाट्स कमसिन समझ लिया बहुत अच्छे से। हमने जो है रिसीवर कौन होता है, क्या होता है, कौन व्यक्ति होता है, ये बता दिया गया है। आपको ये भी समझा दिया गया कि एक्सपेंडिचर और लॉस को हम डेबिट करते हैं। इसी तरीके से क्रेडिट का जो है व्हाट गोज आउट रिसीव गिवर एंड इनकम और प्रॉफिट, ये रूल्स यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं पूरे आपके। इसी रूल्स की सहायता से हम जनरल एंट्री का कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल में दो एंट्रियां, दो ट्रांजेक्शन और रह गए हैं, हम उनको भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है अगला जो है आपकी जो एंट्री है वो है 8 मार्च की, वॉट मशीन फॉर रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी। अब यह थोड़ा सा समझने की चीज है कि भाई रूल्स तो वही लगना है। डेबिट का फर्स्ट रूल्स व्हाट्स कम्स इन, हम मार्केट गए, मैं मार्केट गया, और मार्केट जाने के बाद मैंने वहां एक मशीन पसंद आई मुझको, मैंने मशीन खरीद ली। मैंने जब वो मशीन खरीदी तो डेबिट का रूल्स क्या है भाई, व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है, जब खरीद ली हमने तो क्या आया मेरे पास, मेरे पास मशीन आई, और वो मशीन आई होगी तो हैंड भी टच हुआ होगा उस मशीन में, कहीं ना कहीं हमने वो मशीन चेक की होगी, हाथ की होगी, हम उसको उठा के भी लाए होंगे। हमने वो मशीन उठा के लाए, हमारा हेड यूज हुआ, इसका मतलब डेबिट का फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया, यहाँ पर मशीन आ रही है। अभी तक हमने जो पीछे किए थे एग्जाम्पल उसमें हमने गुड्स यूज हो रहा था, व्हाट गुड्स, गुड्स सोल्ड, माल का यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर एसेट्स हम लोग खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, और उसका एक पर्टिकुलर नेम भी है। अगर कोई भी वस्तु का कोई नाम दिया जाता है तो हम यहाँ पर जो हाथ में आएगा, जो हैंड टच होगा, जो वर्ड्स कम्स इन होगा, हम उसको उसी नाम से अपने यहाँ एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर जो एंट्री बनेगी वो जो आपकी एंट्री बनेगी वो मशीन अकाउंट डेबिट के, यहाँ डेबिट के नाम से एंट्री करनी होगी हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आने वाली चीज है, जो आने वाली वस्तु है वो हमारे पास मशीन है, क्योंकि इसमें हम मशीन को लेकर आ रहे हैं, हमारे हाथ में मशीन आ रही है, तो इसलिए जो 8 मार्च की एंट्री है तो इसमें मशीन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। डेबिट के सामने हम 2 लाख रुपीज, और इसी तरीके से जब क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट के सामने भी 2 लाख रुपीज आएगा, दोनों के सामने सेम अमाउंट आती है। अब मशीन खरीदी है तो बात करते हैं क्रेडिट क्या होगा। जब हम मशीन खरीद के लाए तो फर्स्ट रूल जो क्रेडिट का है, जब रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रूल जो हमारा है वो है व्हाट्स गोज आउट, तो जाने वाली वस्तु क्या है हमारे पास से, हम मशीन खरीदेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास से, हमारे पास से जाएगा पैसा, हमारे पास से जाएगा कैश, हमारे पास से जाएंगे रुपए। तो हमारे पास से जो जाने वाली वस्तु वो कैश है, इसलिए क्रेडिट का फर्स्ट रूल यहाँ अप्लाई हो जाता है। टू कैश अकाउंट हम लिखेंगे और क्रेडिट में उसकी अमाउंट 2 लाख रुपीज लिख देंगे, और नरेशन आएगा वीइंग मशीन परचेज, और करने के बाद हम लाइन खींच के इसको बंद करेंगे। ये हमारा हो गया 8 मार्च की एंट्री मशीन खरीदने की। हम चाहे व्हाट मशीन, व्हाट बिल्डिंग, व्हाट फर्नीचर, व्हाट कंप्यूटर, व्हाट लैपटॉप, हम कोई भी ऐसी सामान खरीदते हैं, किसी नाम से कोई वस्तु खरीदेंगे तो उस वस्तु का नाम से ही आपको डेबिट करना होगा। समझ में आ गया होगा। अब लास्ट जो एंट्री है इसकी, जो आखिरी एग्जाम्पल है वो है इसका अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने अपना जो कैश है उसको बैंक में जमा किया। जब हम बैंक में अमाउंट जमा कर रहे हैं 9 मार्च को, तो रूल्स फिर अप्लाई करना है। रूल्स में अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रूल क्या है भाई डेबिट का, आपको याद भी हो जानी चाहिए रूल्स। फर्स्ट रूल है हमारा व्हाट कम्स इन, आने वाली वस्तु क्या आ रहा है हमारे पास। तो जब हम अपनी अमाउंट को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो यहाँ पर हमारे पास आने वाली वस्तु कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हैंड टच भी नहीं हो रहा है बिल्कुल।
और जब हमारा हैंड टच नहीं हो रहा तो इसका मतलब डेबिट का फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं होगा। सेकंड रूल है रिसीवर, यहां पर अमाउंट डिपॉजिट किसको कर रहे हैं? बैंक को। तो पाने वाला कौन हो गया? रिसीवर कौन है? बैंक हमारी रिसीवर है, इसलिए सेकंड रूल अप्लाई हो रहा है डेबिट का। तो हम जब जनरल एंट्री करेंगे तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा सेकंड रूल अप्लाई हुआ। फर्स्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ था, सेकंड रूल अप्लाई हुआ है, तो हम सेकंड रूल के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया, अमाउंट 2000 रुपए डेबिट कॉलम में लिख दिया जाएगा। अब थर्ड रूल्स को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों में से कोई एक रूल ही अप्लाई होता है, ये बता दिया गया है। अब जब क्रेडिट की बात होती है, जब हम बैंक में डिपोजिट कर रहे हैं, तो आने वाली चीज तो हो गई, रिसीविंग तो हो गई। रिसीवर कौन है हमारा? हमारा रिसीवर था बैंक, बैंक अकाउंट को डेबिट किया। क्रेडिट क्या करेंगे, क्या जाएगा? जब हम बैंक को डिपॉजिट करेंगे तो क्या जाएगा हमारी जेब से? हमारे पास से क्या जाना है? हमारे पास से जाना है कैश, और कैश बिना हार्ड टच किए आप बैंक को देखे नहीं आएंगे। आप बैंक जाएंगे, बैंक में अपना अमाउंट डिपॉजिट करेंगे और अपनी जेब से निकाल कर कैश बैंक को जमा करेंगे। तो वहां पर जाने वाली चीज वार्ड गोज आउट, हमारा जो होगा वो कैश होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्रेडिट वार्ड गोज आउट, हमको कैश को क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिख के ये एंट्री कंप्लीट की जाएगी, और अमाउंट क्रेडिट का क्रेडिट के सामने 2000 रुपये लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। आशा की जाती है कि जनरल एंट्री का चैप्टर काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और सगुड़ा क्लासेज का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरीके का काम करा है, जिससे नॉन कॉमर्स के बच्चों को कॉमर्स सीखने में, अकाउंटेंसी सीखने में काफी मदद मिलेगी। हमारे चैनल सगुना क्लासेज को सब्सक्राइब करिए और इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। आज ये जो जनरल एंट्री का चैप्टर हमने जो किया है, इसकी जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो उसके लिए आप उसको मैसेज कर सकते हैं।